हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर दूसरा एक डांस ट्यूटोरियल लेके आई हूँ माता रानी के भजन कीर्तन में। अपने लोग कैसे सिंपल सिंपल स्टेप में डांस करेंगे। लेग स्टेप में नहीं बता रही हूँ, लेग स्टेप मैंने आगे बहुत सारी बताई है, आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। फिर भी आपकी जो मर्जी हो, आपके जैसे लेग चले वैसे ही चलाइए। मेन हैंड स्टेप है। लेग तो कोई कैसे भी चला लेता, लेग को थोड़ा घसीट के, थोड़ा उछल के। मेन हैंड की स्टेप होती है। हैंड की स्टेप आप सुंदर सुंदर निकालेंगे तो आपका डांस ऐसे ही अच्छा लगेगा। चलिए, इसमें फर्स्ट स्टेप है, आप सिंपल अपने हैंड्स को ऐसे पकड़ लीजिए, टू फिंगर को, या फिर आप लॉक कर लीजिए, ठीक है। इसको लेके आप ऐसे से डांस करिए, या फिर सिंपल हैंड्स को ऐसे से पकड़। आप कैसे भी लेग को चलाइए, फिर भी मैं हल्का बता देती हूँ। एक टो पे रखिएगा और एक जमीन पे रखिएगा तो आपके लेग चलने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें आप दो तरह से बताइए, हाथ को लॉक करके कैसे भी करिए, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरह से हाथ को चलाइए, ठीक है, या फिर ऐसे। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हाथ जोड़ने की है, 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसे भी हाथ जोड़ के करिए। माता रानी के सामने आप करेंगे तो थोड़ा सा हाथ जोड़ने का स्टेप भी आपको करना चाहिए। कैसे क्या, 1 2 3 4 1 2 1 2। ठीक है, सिंपल घूम घूम के भी आप करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे सिंपल। ठीक है, थर्ड स्टेप सिंपल, हाथ को ऐसे रखिए, एक टो को ऐसे ऐसे चलाएं, सिंपल चलाएं। ठीक है, आगे एक हाथ से चलाया मैंने, ठीक है, ये पीछे भी रख सकते हैं, ऐसे भी। अब दो हाथ से, आप ऊपर भी चला सकते हैं, घूम के भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी। ठीक है, फोर्थ स्टेप सिंपल, हैंड्स को इक्वल में, आगे पीछे दोनों हाथ हो गए मेरे, इक्वल फेस के सामने। क्या किया, सिंपल हाथ को ऐसे किया, देखिए कुछ नहीं किया, सिंपल। ठीक है, इसमें पांच नंबर से सिंपल हाथ को ऐसे, देखिए कैसे क्या, इसे से। डिफरेंट स्टाइल से अपने हाथों को चलाइए। चलिए मैं म्यूजिक के संग करके दिखाती हूँ आपको।